हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। यहाँ मैं कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ कोल इंडिया एग्ज़ाम की रिगार्डिंग। जो भी अपडेट्स हैं वो मैं इस प्रकार हैं कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी था स्टूडेंट्स का कि EWS का कट ऑफ नहीं पता चला है, तो मैंने RTI रेज कर दी है सारे स्ट्रीम्स की, हमको EWS का कट ऑफ पता चल जाएगा। दूसरा एक मेजर क्वेरीज आया है मेरे पास स्टूडेंट्स का, सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने ECL ज्वाइन किया था कोल इंडिया में, तो मुझे पता चला था वहाँ डॉक्टर्स के थ्रू कि कलर ब्लाइंडनेस से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। फिर भी जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ, या वो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। खैर, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं था, बट कुछ चीज़ें पता है जिससे उन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के कारण आपकी नौकरी जा सकती है। नौकरी जाने का मतलब कि आपको वहाँ डिस्क्वालीफाइड कर देंगे इंटरव्यू के बाद, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखें। आज से इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो सही हो सकता है। तीसरी चीज़, सर मैं कोल इंडिया ज्वाइन करूँ या ना करूँ? अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप विलिंग टू वर्क इन रिमोट लोकेशंस में आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको रिमोट लोकेशन मिले, किसी को अच्छी अच्छी लोकेशन भी मिल जाती है, किसी को रिमोट भी मिल जाती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर ऐसा मिलता है तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर जिसके पास ऑप्शंस हैं वो कोल इंडिया छोड़ कोई अच्छा ऑप्शन छोड़ के CIL आ रहा है और वो विलिंग है, उसकी इच्छा है कि वो रिमोट में काम कर सकता है, वो रेडी है तो आए। अगर किसी को डाउट है, सर मैं दूसरी PSU की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, कोल इंडिया ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आप कोल इंडिया को ज्वाइन करिए। अगर दूसरा PSU है, दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो थ्रू एनओसी जाते हैं, तो जो आपका बॉन्ड साइन होता है कोल इंडिया में, वो ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल, बट उसके लिए NOC लेना पड़ता है जब आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है बट आप करना चाहते हैं, बाई होप और क्रूक आपको जॉब चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पढ़ने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी कुछ टाइम मिलता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी टाइम मिलता है, आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। कोई काफ़ी लोग UPSC भी पढ़ते हैं अपने यहाँ के और क्लियर भी करते हैं कोल इंडिया से काफ़ी लोग, क्योंकि अपने ऊपर भी टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। और चौथा क्वेरी था स्टूडेंट्स का सैलरी स्लिप, तो मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी स्लिप मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और वो टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और जो भी क्वेरीज़ हैं मैं वहाँ अपडेट करता जाऊँगा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए बार बार वीडियो बनाना आपको भी उतना फिजिबल नहीं होगा। मैं ब्रॉडकास्ट कर दिया करूँगा मैसेजेस, तो आपके लिए वो बेटर होगा, हर एक चीज़ वहाँ अपडेट कर सकता हूँ, बस आप क्वेरी रेज कर दीजिए। वीडियोज़ शायद मैं इतनी जल्दी ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ अपना वर्क प्लेस से, अपने होम टाउन में हूँ, तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है बार बार वीडियोज़ बनाना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर भी। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ है मैं टेकअप कर लूँगा, टेलीग्राम चैनल पर एक ब्रॉडकास्ट डाल दिया करूँगा, तो इमीडिएट बेसिस पर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कन्वीनियंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ही पुटअप वापस बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इंटरव्यू के लिए बताया था, तो इंटरव्यू के लिए मैंने एक सजेशन ड्राफ्ट कर रहा हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल को मैं दूंगा। अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को इन्होंने इंटरव्यू में कॉल किया, सारे स्ट्रीम को इंक्लूड करके। अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें तो काफ़ी कॉस्ट बच जाएगा गवर्नमेंट का भी और आपका भी, कॉस्ट एंड टाइम दोनों का बच सकता है। तो ये सजेशन मैंने दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, वरना आपको नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। और जो मेरा लाल बटन है सब्सक्रिप्शन, वो तोड़ दो उसको, इतना दबाओ कि मतलब अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, और मैं और अच्छा काम कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू गाइज, ऑल दी बेस्ट।